ये गलत बात है। ये आप जानते हैं कितने लोगों को जेल से छुट्टी मिलती है, ये जरा बताइए ना। एक आदमी के बारे में जो इतनी बात बोली जा रही है, ये हमको आश्चर्य लग रहा है। इसमें कौन सी ऐसी बात है? ऐसा तो कुछ नहीं है। और इसके बारे में आप अच्छी तरह जान लीजिए कि राज्य सरकार के चीफ सेक्रेटरी साहब ने कल ही सारी बातें बता दी है। लेकिन अगर आप लोग इसको जानना चाहते हैं, जरा बताइए, आप सोच लीजिए। नहीं नहीं, ये जो है ये केंद्र का जो घोषित हुआ था, आप समझ लीजिए, जो भी है, जो मॉडल प्रिजन मैनुअल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से 16 में जारी हुआ, 2016 में, तो जरा देख तो लीजिए, ये 16 वाला है, इस कागज को देख लीजिए कि आपको ये पता चलेगा क्या कि कोई आईएएस ऑफिसर का मामला हुआ तो उसमें उसको सब दिन के लिए रहने का प्रावधान है इसमें। और कौन राज्य में है? बिहार में था। लेकिन ये बात देखा गया कि ये जब है ही नहीं इसमें, तो वो खत्म कर दिया गया। और बताइए, वो आदमी कितना दिन हो गया है उसका? 15 साल से भी ज्यादा उसका हो गया, तो हो गया। और सब तरह से बताइए, राय लेकर के किया गया है, तो एक एक चीज को आप देख लीजिए। आप सुन लीजिए कि आजीवन कारावास में बंद कैदियों की वास्तविक अवधि 14 वर्ष एवं परिहार जोड़कर 20 वर्ष पूर्ण करने के उपरांत कारा से मुक्त करने का प्रावधान जो हम बता रहे हैं उसमें। अब आप देख लीजिए, बिहार में 17 से अभी तक 22 बार परिहार परिषद का बैठक हुआ और 698 बंदियों का मुक्त किया गया। अब आप सोच लीजिए कि कितनी बार केंद्र से ही आया है। तो आप समझिए कि तारीख जो होता है 26 तारीख को, 26 जनवरी को, 15 अगस्त को और बाबू के जन्मदिवस के अवसर पर, तो उस सब में कितने लोगों को छोड़ा जाता है? अब कहाँ है केंद्र का नियम? अब बिहार में था तब बिहार में भी इसको खत्म कर दिया गया कि हाँ इस पर नहीं होगा, तो क्या दिक्कत है? आप जरा बताइए कि कोई डिफरेंस होना चाहिए जी। किसी की हत्या होती है तो क्या कोई एक सरकारी अधिकारी की हत्या और सामान्य आदमी की हत्या, दोनों में फर्क रहना चाहिए? आज तक कहीं होता है? कोई है? बोलिए, इसी बार कितना होका हुआ है? आई तो हर बार ना होता रहता है, कोई एक बार, इसलिए तो आपको बता दिए कि कितना ज्यादा हुआ है बिहार में 27 से अब तक। तो ये कितना हुआ है? तो इस बार भी हो गया तो 27 के बारे में हुआ, 27 हुआ है तो 27 हुआ, उसमें एक ही पर चर्चा हो रही है, ये किस बात पर की चर्चा हो रही है बताइए? तो इसका तो कोई मतलब नहीं है। और फिर तरह तरह के लोग बयान देते हैं, तो हमको तो आश्चर्य लगा, तो हमको ये कहना उचित नहीं है। तो ये आप लोग जरा फोटो देख लीजिए, तो जो बोल रहे हैं उनका कब का है फोटुआ देख लीजिए, खुद देख लीजिए फोटो, ये कब गए हैं आप समझ लीजिए। ये मांग कर रहे थे कब? इसी महीने फरवरी में। आप बोलिए ये हो गया है, आप विरोध कर रहे हैं, तो पूरा का पूरा देख लीजिए। हमको तो आश्चर्य लगता है, किसी ने ऐसा भेज दिया था, हम का सब लोग मांग करते थे, जो इसमें नहीं हुआ था तो कितने लोग इसका डिमांड कर रहे थे कि होना चाहिए, तो हो गया तब उसके बाद आप विरोध कर रहे हैं, तो इस विरोध का कोई मतलब नहीं है। और जरा सा बता दें कि जो भी 16 में जारी हुआ है, जो हमने बता दिया आपको केंद्र की तरफ से, तो उसमें क्या प्रावधान है? तो जब प्रावधान ही नहीं है, तब बिहार में था उसको भी हट गया, अब सबके लिए बराबर हो गया, तो इसको लेकर के कोई विरोध करने का तो कोई तुक नहीं है। और जरा बताइए, तो इसलिए हमको बात ही समझ में नहीं आती है कि 2 महीना पहले डिमांड कर रहे थे, अब हो गया,
तब दो महीना के बाद विरोध कर रहे हैं, ये बात समझ में नहीं आती है साहब। ये वो कह रहे हैं कि भूत, वो कह रहे हैं कि भूत कैप्चरिंग के लिए और चुनावी फायदे के लिए रिहा किया गया है। वो कह रहे हैं कि भूत लूटने के लिए और चुनावी फायदे के लिए रिहा किया गया। अरे आप बताइए तो पूछना चाहिए ना, जो लोग ये सब बोल रहे हैं उन्हीं से पूछना चाहिए कि आपका डिमांड क्या था। केंद्र सरकार छोड़ता ही है, केंद्र सरकार से छूट रहा है, कहाँ से नहीं छूट रहा है। मांग का कोई मतलब नहीं है, और एक बात जान लीजिए, ये किसी पार्टी के मांग का कोई औचित्य नहीं है। सबसे बड़ी चीज है कि जो प्रावधान है, जो नियम है, उसके मुताबिक ससमय लोगों को रिलीज किया जाता, छोड़ दिया जाता है। मैंने 14 साल से ऊपर होने के बाद अगर जिनको आजीवन मिल जाता है तो उसमें हो जाता है, तो ये सब तो किया ही जा रहा है। तो कोई आदमी का कैसा भी होगा तो किया जाएगा, ये पॉलिटिकल चीज नहीं है, और इसमें कोई पॉलिटिकल पार्टी ये सब बात कर रही, भाई हमको तो आश्चर्य होता। ये बताइए तो सब दिन से जो हो रहा तो इसमें कौन सी ऐसी बात है। आप ही उत्तर दे रहे हैं, अब आप ही कह रहे हैं। आप पहले उन्हीं राज्यों का देख लीजिए, आप सोच लीजिए। अगर आप कहिएगा तो क्या किया जी, कौन कौन राज्य का हुआ है। चलिए ठीक, आप गुजरात का कह रहे हैं, आप समझ लीजिए। इसमें कई राज्यों में भी कानून है, तो भी लिखा हुआ है, वो तो एक अलग बात है। अब कितने लोगों के द्वारा जो किया जाता है रिलीज, उधर देख लीजिए आप, 20-21 का ही लीजिएगा तो आप सोच लीजिए कि 20-21 में मिला करके कितने को रिलीज हुआ, 298। आसाम में कितना हुआ, 280। बिहार में 105। छत्तीसगढ़ में 338। गुजरात में 47। हरियाणा में 79। हिमाचल प्रदेश में 50। झारखंड में 298। कर्नाटक में 195। केरला में 123। मध्य प्रदेश में 692। और महाराष्ट्र में 313। उड़ीसा में 203। राजस्थान में 346। तेलंगाना में 139। उत्तर प्रदेश में 656। अब आप सोच लीजिए, बिहार में क्या हुआ, 20-21 मिला करके हम दोनों का बता रहे हैं। अब बिहार में हुआ है 20-21 मिला के 105। आप जरा सोच लीजिए इतना हुआ है, तो इन सब चीजों से हम आपसे आग्रह करें, हालांकि आप लोग सुन भी लीजिएगा तो आप इसको चलवाइएगा, बड़ा मुश्किल ना होगा। इतना बताइए कितना लोगों को मिला। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल आज जरा सा देख लीजिए, अगर देखिएगा बाकी जगहों का, 280 और पुडुचेरी में, 294। ऐसे रखना भाई, आगे बढ़ा के पुडुचेरी करिए, ये 200 मेरे आँख पे रख दे रहे हो, तो कहाँ से आप रखो अच्छी अभी टोटल यूनियन टेरिटरी में 294 पुडुचेरी में 4 आई 280 सब देख लीजिए। सर हो गया सर, रहने दीजिए, थैंक यू सर, हो गया सर, अब कहाँ नहीं जा रहा। आप जान लीजिए, जो आदमी दिल्ली में चुनाव जीतता है, दूसरे राज्यों में चुनाव जीतता है,
तो उसके ऊपर यही सब आलोचना शुरू हुई है। तो जो जो मजबूत है ना, जिन जिन जिलों में जो जो मजबूत है, हमको नहीं दिख रहा यार, सब के किसी जब होते रहा। आप समझ लीजिए, अरे भाई आप से जानते हैं उनको, छोड़ दीजिए सर, नहीं थे तब से जानते, अब हो गया सर। और राजनीति पे आए तक कितना आगे बढ़े, तब तो इसलिए हम लोग सबको जानते हैं। इसलिए इस तरह से किसी व्यक्ति की आलोचना हम लोग किसी का करते हैं, बोलिए।